हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ बारे डिस्कस करांगे। जिस तरह एम्स रिक्रूटमेंट 2020 विच कुछ पोस्टा निकलिया हैं, उस पोस्ट बारे डिस्कस करांगे की है पोस्ट की है, उसकी एलिजिबिलिटी की है एज लिमिट एंड की है क्वालिफिकेशन। इस बारे सारी जानकारी आप जी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में शुरू तो अंत तक जरूर देखना, एंड जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कराया है चैनल को सबसक्राइब कर लें, तो नाल ही घंटी के बटन भी जरूर प्रेस कर लें, ता जो आने वाले लेटेस्ट कोई भी एग्जाम कोई भी रिक्रूटमेंट भर्ती आप नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सके। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। जिस तरह तुम अपनी स्क्रीन देख सकते हो, एम्स रिक्रूटमेंट 2020 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। हाँ जी, नर्सिंग तुम देख सकते हो पोस्ट, ना कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली है, जिस विच एम्स ने अपने एप्लीकेशन की मांग की है कैंडिडेट्स को। हाँ जी, देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से नर्सिंग ऑफिसर की कुल 3803। हाँ जी, टोटल कितनी पोस्टा हैं, 3803 पोस्टा का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, एलिजिबल स्टूडेंट हैं, वह विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेस्ट दे रही थ्रू ही इसकी भर्ती होएगी। हाँ जी, नैक्सट देख लेंगे। हाँ, नैक्सट चलते हाँ, टोटल कितनी पोस्टा हैं, टोटल 3803 पोस्टा हैं। हाँ जी, टोटल 3803 पोस्टा हैं। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं, वह उन्होंने ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वैबसाइट की है aims.aimsexam.organization, तुम कर सकते हो। लास्ट वीडियो के एंड में उसकी ऑफिशियल वैबसाइट भी आपको दसी जाएगी। हाँ जी, नैक्सट देख सकते, पोस्ट का नाम की है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। हाँ जी, नैक्सट देख लेंगे हाँ, इसका की क्वालिफिकेशन रहने वाली है। उम्मीदवार ने इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग बेस्ट नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, कोई भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट हो सकता है, किसी संस्थान तो बोर्ड तो उसने BSc नर्सिंग या BSc पोस्ट सर्टिफिकेशन एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। हाँ जी, क्वालिफिकेशन वाले ही कैंडिडेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट घट्टो घट 18 साल होनी चाहिए है, एंड वध तो वध 30 साल होनी चाहिए। SC एंड ST के कैंडिडेट्स लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, छोड़ दी जाएगी, एंड OBC वास्ते 3 साल की छोड़ दी जाएगी। हाँ जी, नैक्सट देख लेंदे हैं, इस कितनी फीस रहने वाली है। हाँ जी, इस पोस्ट लिए जर्नल एंड OBC वास्ते 1500 फीस रहेगी, एंड SC ST वास्ते 1200 फीस रहेगी। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट इंटरस्टेड हैं SC एंड ST वास्ते, उन्होंने वास्ते 1200 रहेगी, एंड जनरल OBC वास्ते 1500 फीस रहेगी। इस दे ऑनलाइन जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं, इस तो बाद क्लोज डेट हो जाएगी। अंतम डेट कितनी है, 18 इसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त, एंड एग्जाम की डेट भी मैंशन कर दी है 1 सितंबर में एग्जाम भी लिया जाएगा। बहुत ही दिन घट हैं, जल्दी तो जल्दी तुम फिल कर सकते हो, एंड इसकी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी, अप्लाई तुसी किस तरह कर सकते हो, जो भी अप्लाई हैं तुसी कैंडिडेट उन्होंने विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट पर अप्लाई कर सकता है। वैबसाइट ऑफिशियल तुसी देख सकते हो, ऑफिशियल वैबसाइट नोट कर सकते हो, इस ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके तुसी इस एग्जाम नू फिल कर सकते हो। आई होप आपनू ये वाली जानकारी वधिया लगी होगी, क्योंकि 3803 पोस्टा हैं, जल्दी तो जल्दी जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो पोस्ट अप्लाई करके अपनी तैयारी करके इस विच लग सकते हैं। हाँ जी, इस तरह ऐसी भर्ती जो एम्स में रिक्रूटमेंट 2020 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली है, उस बारे आप जी जानकारी दी गई है। आई होप आपको जानकारी वधिया लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नैक्सट वीडियो चो। बाय बाय।